मैंने 20 आदमी भेजे थे, सबको कूट डाला उसने। तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। फाइनल दोस्तों, सॉ सुपरस्टार राघव लॉरेंस की अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पे इस फिल्म का नाम काला भैरवा रखा गया है। वहीं इस अनाउंसमेंट के साथ ही इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें राघव लॉरेंस का जबरदस्त लुक देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो में इसी फिल्म से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी राघव लॉरेंस की अपकमिंग फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। काला भैरवा अपकमिंग सुपर हीरो वाली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में राघव लॉरेंस सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। बाकी इस फिल्म के स्टार कास्ट क्या होगी, इस बारे में मेकर्स ने कोई भी अपडेट शेयर नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि मेकर्स इस बात की भी जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे। अभी हाल ही में इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पे इस अनाउंसमेंट के साथ ही इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में राघव लॉरेंस का काफी डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बता दूं कि मेकर्स ने इस अनाउंसमेंट के साथ ही यह भी बता दिया है कि यह एक सुपर हीरो वाली मूवी होने वाली है, जहां पे हमें खूब सारा एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा। इसी के साथ मेकर्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग को नेक्स्ट मंथ यानी नवम्बर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है अब यह फिल्म हम लोग को जल्द ही थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। तो बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस बारे में मेकर्स ने तो कोई भी कंफर्म अपडेट शेयर नहीं किए हैं, लेकिन मेकर्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि यह फिल्म नेक्स्ट ईयर समर के टाइम पे पैन इंडिया थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी, जहां पे इस फिल्म को तमिल तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इसका मतलब है ये फिल्म हम लोग को हिंदी में डायरेक्ट थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस फिल्म की रिलीज से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट। आप क्या इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रही है, तो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।